हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और खुश और कुशल मंगल होंगे और सभी अपने घरों में सब सेफ होंगे। मैं भी यहाँ सेफ हूँ और मैं भी स्वस्थ हूँ और मैं भी खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ और घर में मुझे खुद से प्रिपेयर खाना नहीं करना पड़ रहा है। मम्मी बना रही है और मैं अच्छा अच्छा खाना खा रही और मैं यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तो आई होप आप सभी लोग मेरी सारी वीडियोस, मेरे सारे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं अभी फ़्रेश हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अभी हमारा टाइम हो रहा है 10 AM टाइम हो रहा है, तो मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं इसलिए फ्रेश हुई क्योंकि कल नाइट में फंक्शन था। नाइट का फंक्शन तो हो गया दादा की शादी का। अब एक और शादी हमारे पड़ोस में जो कि पीछे साइड लगा है उसका टेंट, मैं अभी उसे दिखाती हूँ और घर भी दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, रेडी नहीं हूँ मतलब फ्रेश हो गई हूँ जल्दी मॉर्निंग में। तो वहाँ पे अभी हल्दी है, नाइट में संगीत है, और उधर वाली दा की शादी में वहाँ पे अभी रिसेप्शन है 3 PM पे, और देन इधर वाले पे 4 PM से यहाँ पे संगीत स्टार्ट है। तो ऑलमोस्ट आज का बहुत ज़्यादा हम फन करने वाले हैं। और अभी मैं अपनी बिल्लियों को दिखाती हूँ उनकी मॉर्निंग हुई है नहीं हुई है और वो कहाँ पे और क्या कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में आई थिंक एक बार इंट्रोड्यूस कराया होगा कैट से, अगर नहीं कराया तो मैं अभी करवाई थी। मेरी दो बिल्लियाँ हैं, एक बिल्ला है और एक बिल्ली है। एक बिल्ली का नाम सैंटी और एक का नाम परी है। और डॉग्स भी हैं, डॉग भी दिखाऊंगी, डॉग को गबरू को दिखाऊंगी। और अगर तो नहीं दिखा रही, अभी गबरू को दिखा रही हूँ बस। ओके, कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग चाइना बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, बैक टू व्लॉग। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितनी सारी धूप हो रही है और मैं भी काफ़ी धूप में हूँ। मैं धूप में इसलिए कि मुझे जुकाम होता है, तो मैंने सोचा कि धूप सेक लूँ थोड़ा। मम्मी थोड़ा काम कर रही है। एक चीज़ ये रह गई थी कि मेरे व्हाट्सएप में काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि आपके इस बाल पहले से स्ट्रेट थे या अभी स्ट्रेट हैं। ये मेरे पहले से स्ट्रेट नहीं थे, पहले मेरे हेयर्स कर्ल थे, तो मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी 2 साल पहले, करवाई थी स्ट्रेटनिंग, तो इसलिए मेरे बाल स्ट्रेट है। और एक और क्वेश्चन आया था कि जो ये अभी दिख नहीं रहा, हाँ शायद अब दिख रहा होगा, जो ये ब्राउन ब्राउन शेड है ना बीच बीच में, ये पहले से ही था या अभी करवाया? ये मैंने 1 साल पहले करवाया है, ये भी परमानेंटली करवाया, तो मेरे पास अभी तक है, ऐसा परमानेंटली है। अगर आप किसी को अगर हेयर रिबॉन्डिंग वगैरह करवानी हो तो प्लीज़ काशीपुर आ जाएगा डिज़ायर ब्यूटी पार्लर में, वो काफ़ी अच्छा पार्लर है और मैं तो ऑलमोस्ट वहीं जाती हूँ। तो मेरे बाल भी आप देख सकते हो 2-3 ईयर्स हो गए, मेरे बाल अभी तक स्ट्रेट हैं। मेरे बाल तो पहले कर्ल्स थे, तो अभी भी आप देख सकते हो कि कितने स्ट्रेट हैं। दोस्तों, आज मैं ऊपर व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी नीचे काम कर रही थी और मम्मी फिर गुस्सा कर रही थी व्लॉग व्लॉग व्लॉग, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई, ऊपर व्लॉग बना रही हूँ और अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का शाम का जो संगीत वाला है फंक्शन वो कहाँ पर होगा, मेरे घर से कितने दूर होगा। अभी तो मैं छत पर हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे ये अंगूर का पेड़ लगा है, ग्रैप्स जिसको खाने हो तो मेरे घर आ जाएगा, जब ग्रैप्स लगेंगे तब खा लीजिएगा। तो देख सकते हैं वो वहाँ पर नीचे प्रिपरेशन हो रही है और बैक कैमरा से देख। अभी गाइस आप देख रहे हैं वो वहाँ पे पेड़ होगा, वहाँ पे संगीत होगी और वो है शादी वाला घर। गाइस मैं भी एक चीज दिखाती हूँ, मेरा बाबा बिल्ला कैसे बैठा हुआ है। बिल्ला तो नहीं है, वो बिल्ली है, बट बिल्ली कैसा रोल करता है दिखाती हूँ। परी, हमारी परी को कुछ दिखा, क्या दिखा परी, क्या दिखा? फ्रेंड्स, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतने पैट क्यों हैं। पैट इसलिए हैं क्योंकि हमें पैट बहुत पसंद है, इसलिए हमारे पास पैट। हमारे पास एक बिल्ला, एक बिल्ली और एक डॉगी भी है। हमारा डॉगी गायब हो रखा अभी घर से, वो पता नहीं कब आएगा, वो बाहर फंक्शन अटेंड कर रहा है, वो खाना खाने में बिजी। हमारा बिल्ला खाना खाने में, एनिमल्स की भी उतनी रिस्पेक्ट की जाए जितनी कि एक ह्यूमन बींग की जाती है। तो गाइस, गबरू मिलने आए हैं हमसे आज, तो देख सकते हो आप गबरू कितना उत्साहुक है।
गबरू कितना प्यारा लग रहा है गबरू, चाटू चाटू कर रहा कल्लू, ये मम्मा से अब प्यार कर रहा है गबरू। गबरू देख सकते हो कि मेरी बिल्ला मुझे काट नहीं रहा, बिल्ली है ये काट नहीं रही मुझे, इसलिए काट नहीं रही क्योंकि इसका नेचर बहुत लविंग नेचर है, इसलिए नहीं काटी। अगर आप अपने बिल्ला बिल्लियों को मारोगे डांटोगे और उसे बाहर भेजोगे तो ऑब्वियस है कि वो काटेगी ना, हमारी बिल्ली नहीं काटती, हमारी बिल्ली प्यार से हमारे साथ सोती है, हम इसे खोनो पीनो खिलाते हैं। अब मेरा बिल्ला मुझसे तंग आ गया, अब ये भाजू भाजू करेगा, भाजू भाजू। ये है हमारा ढड़वा, बट ये बहुत भोला भाला, ये डर जाता है, मुझसे भी डर जाता है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मिलती हूँ ना, ये डर गया, देखो भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। तो गाइस अभी का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, अभी मॉर्निंग का ब्लॉग ये रखते हैं और इवनिंग में मैं देखती हूँ क्या शेयर करती हूँ आज। आज मैं संगीत का आपको दिखाऊंगी, ऑलमोस्ट मैंने आपको लोकेशन तो दिखा दी है ना, तो संगीत का जो जो होगा वहाँ पे डांस वगैरह शेयर करूंगी संगीत का। और अभी के लिए इतना ही काफी, बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।